जबलपुर में कोरोना संक्रमण में अब तक जहां 13 मामले सामने आए हैं, वहीं प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है, जिससे जिले में कोरोना संक्रमण के मामले न बढ़ सकें। वहीं जहां 3 मई तक लॉकडाउन है, जहां प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं ऐसे लोग जो कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हों या बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, उनके लिए सुख सागर मेडिकल अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। साथ ही रांची स्थित SAF 6 VI बटालियन में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 150 बेड सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलग अलग कमरों में रखे गए हैं। साथ ही महिला पुरुष वार्ड अलग अलग बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर और स्टाफ की टीम तैनात रहती है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र पटेल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार SAF 6वीं बटालियन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नए भवन को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें अभी 15 स्टाफ के लोगों को यहाँ क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी पुलिसकर्मी भोपाल से ट्रेवल करके लौटे थे, जिसमें से सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं उन्हें 28 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही अगर स्टाफ का या बाहर का कोई मरीज जिसे ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो उन्हें यहां भर्ती करके उनकी जांच जिला अस्पताल भेजी जाएगी। ये क्वारंटाइन सेंटर शासन के निर्देशों पे हमारे जो सेनानी महोदय हैं उनके द्वारा जैसा निर्देशन दिया गया है और शासन ने जो SOP जारी की गई है उसके अनुसार इसको तैयार किया गया और एक महीने से ये फंक्शन में है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो बेडों की संख्या है वो अधिकतम 150 बेड की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में यहाँ पर जो भोपाल से अथवा इंदौर से अथवा किसी कारण से ऐसे जिनमें ऐसे सिम्टम दिखाई दिए ऐसे लोगों को लगभग 15 लोगों को स्टाफ के ही हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है। इसमें महिला वार्ड पुलिस वार्ड सब अलग बनाए हुए हैं और सबकी व्यवस्था की गई है आगे के हिसाब से। अभी जो सिम्टोमेटिक थे उनमें से 2 की सैंपलिंग अंडर प्रोसेस है और बाकी की सभी की निगेटिव आई हैं और 14 दिन लगभग वो पूरे करने जा रहे हैं कल परसों की स्थिति में और फिर दोबारा उनका चेकअप होता है। एक डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं और पूरा आपने अभी जो देखा मेडिकल टीम है जिनका रोज चेकअप करती है, अपडेट देती रहती है और कोई भी ऐसी स्थिति आने पर इन्फॉर्म करती है तो फिर हम जो जिले के संबंधित अधिकारी हैं चिकित्सा से संबंधित हैं डॉक्टर पराटकर वगैरह उनसे संबंधित चर्चा करके फिर इनको विक्टोरिया भेजते हैं और सैंपलिंग करते हैं। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुलिस विभाग के लिए तो है, बटालियन में बना है तो बटालियन के अंदर जो भी ऐसे सिम्टोमेटिक मैटर आएंगे उनके लिए है। साथ ही 150 की कैपेसिटी में अगर कोई सोशल पर्सन रिपोर्ट होता है और उसके लिए या तो ये नज़दीक पड़ता है अथवा कभी ऐसी स्थिति आई कि बेडों की संख्या कहीं कम पड़ रही है तो उनकी सेवा के लिए भी ये क्वारंटाइन सेंटर हमेशा उपलब्ध है।